गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछली क्लासेस के कंटिन्यूएशन में बीएससी पार्ट टू में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है हर्बेरियम टेक्निक्स। हर्बेरियम टेक्निक्स से पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर हर्बेरिया। हर्बेरिया या पादप संग्रहालय एक कलेक्शन ऑफ प्लांट है जिसमें कि किसी भी जगह पर जहां पर पादप पाए जाते हैं उनके आवास पर ही उनको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके उनको ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है और स्टोर किया जाता है। उनके बारे में स्टडीज की जाती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उन स्पेसिमेंट्स को, उन इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके, अरेंज करके वेल डेवलप्ड फॉर्म में उनको फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। उन जगह को, उन प्लेसेस को, उन कलेक्शंस को कहते हैं हर्बेरियम या पादप संग्रहालय। पादप संग्रहालय ऐसी जगह है जहां पर पादप को सुरक्षित रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ड्राई करके रखा जाता है ताकि उन पादप को जब हमें फ्यूचर में जरूरत हो उनको वहां पर हम देख सकें और इसके लिए उनको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर सिस्टम में उनको अरेंज भी किया जाता है। तो हर्बेरिया जो है वो है टू स्टडी प्लांट और टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट वेयर दे स्टे और एट देयर लोकेलिटी जहां पर वो उगते हैं वहां पर उनकी स्टडी को करने के लिए हर्बेरियम को डेवलप किया जाता है। इस हर्बेरिया के लिए या पादप संग्रहालय के लिए जो शीट्स बनाई जाती हैं उनको कहते हैं हर्बेरियम शीट्स या हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जो है वो शीट्स के लिए यूज होता है और हर्बेरिया संग्रहालय के लिए यूज होता है। हर्बेरियम शीट्स किस तरह से बनाई जाती है ये हम सबसे पहले देखेंगे। हाउ टू प्रिपेयर हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फील्ड में जाके प्लांट्स को कलेक्ट करना होता है। फील्ड का मतलब है आवास, हैबिटेट, जहां पर पौधा उगता है, जहां पर पादप उगते हैं, वहां पर पादप पाए जाते हैं, उस जगह पर जाकर वहां से प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। और इसको करने के लिए हमको कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, कुछ उपकरण जो चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले जो है वो मेन इक्विपमेंट है खुरपी, जिसको कि हम कहते हैं ट्रॉवल। ट्रॉवल के साथ हमको चाहिए कुछ चिमटियां, फॉर्सेप्स, जो छोटी बड़ी अलग अलग साइज की हो सकती है, पॉइंटेड और ब्लंट टिप वाली फॉर्सेप्स हमको चाहिए। इसके अलावा हमको एक स्केटियर चाहिए, कैंची, जिसको कि हम कलम कैंची कहते हैं, जिसके की द्वारा हम प्लांट के ट्विग्स को काट सकते हैं। जो छोटे प्लांट होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, उनको हम खोद के जड़ से लेके आते हैं और जो बड़े प्लांट हैं, जो श्रब्स हैं या ट्रीज हैं, उनकी हम ब्रांचेस कैंची की सहायता से, स्केटियर की सहायता से जो है कट करके और उनको हम लेते हैं। तो हमको चाहिए ट्रॉवल्स, फॉर्सेप्स या हमको चाहिए स्केटियर्स। इसके साथ साथ हमको चाहिए एक फील्ड नोटबुक, जिसमें कि हम फील्ड पर जो नोट्स लेने हैं वो हम वहीं पर नोट कर लेते हैं उस फील्ड बुक में। उस स्पेसिमेन को हम कोई भी एक सूटेबल नाम या नंबरिंग देके रख सकते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम वहां पर रखते हैं, जैसे कि वो प्लांट किस तरह की मिट्टी में पाया जाता है, उसके आसपास कौन से प्लांट पाए जाते हैं या उसका जो है वो लोकेलिटी क्या है, कलेक्शन डेट क्या है या और भी कोई उसके बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है होती हैं, तो उन इंफॉर्मेशन को हम उस फील्ड नोटबुक में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हमको इस तरह के बहुत सारे उपकरण, इक्विपमेंट चाहिए, जिनमें से कुछ के बारे में हमने अभी बात की। इनके अलावा जो इक्विपमेंट्स है वो है वेस्कुलम।
प्रेस। वेस्कुलम और प्लांट प्रेस हमारे लिए नए इक्विपमेंट्स है, इससे पहले वाले इक्विपमेंट्स से हम भली भांति परिचित है। तो वेस्कुलम क्या है हम सबसे पहले देखेंगे। वेस्कुलम एक गोल सभी सिरे से दिखाई देने वाला एक आयताकार बॉक्स के जैसा है जो कि मेटल या शीट्स से मिलकर बना हुआ है। ये इसकी स्ट्रिंग या बैंड है वेस्कुलम की। ये एक ऐसा ढक्कन नुमा मेटलिक बॉक्स है, चारों तरफ से इसके एजेस गोल होते हैं। ज्यादातर वेस्कुलम मेटल का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम या स्टील का या एल्यूमिनियम और टिन का बना हुआ होता है। ये जो वेस्कुलम है इसके अंदर कभी कभी वेलवेट या सॉफ्ट कॉटन मटेरियल की लाइनिंग भी होती है। इस बॉक्स नुमा मटेरियल में, बॉक्स नुमा वेस्कुलम में हम प्लांट को स्टोर करके फील्ड से लैब तक लेके आते हैं और लैब में आके उसकी फर्दर स्टडी की जाती है। ये वेस्कुलम जो है टैक्सोनॉमी के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसमें कि पौधे कलेक्ट करके फील्ड से लैब तक लाए जाते हैं, क्योंकि ये मेटलिक है, ये प्रोटेक्ट रखता है, इसके अंदर वाले जो प्लांट है उनके टूटने का डर नहीं रहता, इसके अंदर जो कपड़े की लाइनिंग लगी हुई रहती है उससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ड्राई नहीं होते। इस तरह से ये हमारे काम में आता है पौधों को फील्ड से लैब तक लाने में। अगर हमारे पास वेस्कुलम नहीं है तो हम हमारे साथ मोटी शीट वाली पॉलिथीन की थैलियां ले जाते हैं और वो जो प्लास्टिक की थैली पॉलिथीन की थैली है उनके अंदर प्लांट को रख लेते हैं, उनके सिरे को टाइटली रबर बैंड से बांध लेते हैं, उनमें प्लांट कलेक्ट करके हम फील्ड से लैब तक लाने का काम कर सकते हैं अगर हमारे पास वेस्कुलम नहीं हो तो। बट थैली में लाने में हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि बाहर से कोई प्रेशर इस तरह से नहीं पड़े जो हमारे पौधों को, प्लांट्स को या ट्विग्स को तोड़ दे। तो वेस्कुलम के एब्सेंस में हम पॉलिथीन शीट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है प्लांट प्रेस। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें प्लांट्स को प्रेस करके लेके आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो शीट्स होती हैं। ये शीट्स, ये एक है ऐसी, दो शीट्स होती है। ये शीट्स वुडन की हो सकती है या मेटलिक भी हो सकती है, वुडन अच्छी रहती है। इस शीट का साइज हमारी हर्बेरियम शीट से बहुत बड़ा होता है। इसमें जो वुडन शीट है ये कबर्ड प्लाईवुड की भी हो सकती है, वुडन शीट मेटलिक भी हो सकती है। इस वुडन शीट में प्लांट को सुखाने का काम किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये दो वुडन शीट्स हैं, इसके अंदर पहले हम एक शीट को रखते हैं, इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखा जाता है, ब्लॉटिंग पेपर के बाद प्लांट रखा जाता है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, सेकेंड प्लांट रखते हैं, फिर ब्लॉटिंग पेपर, फिर प्लांट, इस तरह से हम इसको जमा लेते हैं और फिर दूसरी वुडन शीट रख के और इसको बैंड से अच्छे से दोनों तरफ से यहाँ पर एक बैंड और यहाँ पर दूसरी बैंड लगा के इसको रख दिया जाता है। ऐसे पहले सबसे पहले वुडन शीट, फिर ब्लॉटिंग पेपर, फिर प्लांट या ट्विग जो कि हमने फील्ड में से इकट्ठी की है, फिर इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर,
ब्लॉटिंग शीट, ब्लॉटिंग शीट के ऊपर दूसरा प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट टू यहाँ पर प्लांट वन है, फिर ब्लॉटिंग पेपर, फिर प्लांट थ्री, फिर ब्लॉटिंग पेपर, और इस तरह से हम ये जमा के और लास्ट में फिर वुडन शीट रख के इन सबको बेल्ट से टाई कर देते हैं, बेल्ट बांध के इनको रख देते हैं, और फिर 24 आवर्स में 24 घंटे के बाद ब्लॉटिंग पेपर चेंज करते हैं। क्योंकि ये जो ब्लॉटिंग पेपर है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुका है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। शुरू के कुछ चेंजेस हम डेली बेसिस पे करते हैं हर 24 घंटे के बाद, और बाद में हम इसको 2-3 दिन में और लेटर ऑन फिर 4 दिन में, 1 वीक में भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि हमने कौन सा प्लांट कलेक्ट किया है, उसमें कितना मॉइस्चर है, वो कितना ड्राई हो गया है, और इस प्रोसीजर को हम कैरी ऑन करते रहते हैं जब तक कि प्लांट पूरा का पूरा टोटली ड्राई नहीं हो जाता। जब ये प्लांट ड्राई हो जाता है इस तरह से, तभी हम उसको हर्बेरियम शीट पर पेस्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये वुडन प्लांट प्रेस नहीं है तो, और इसके साथ साथ अगर हमारे पास ये वुडन प्लांट प्रेस नहीं है, ब्लॉटिंग पेपर भी नहीं है, तो हम इसकी जगह न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अखबार के कागज में भी मॉइस्चर या आर्द्रता को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो हम पहले अखबार का एक कागज लगाते हैं, उसके ऊपर पौधा रखते हैं, फिर दूसरा कागज लगाते हैं, फिर पौधा रखते हैं, फिर तीसरा कागज लगाते हैं, और उसको किसी भी चौड़ी चपटी चीज से, किसी बॉक्स जैसी चीज से उसको हल्के प्रेशर से दबा दिया जाता है। फिर इसी तरह से रेगुलर इंटरवल में इसके न्यूज़पेपर चेंज करते हैं। तो प्लांट प्रेस अगर नहीं भी हो हमारे पास में, तो हम ब्लॉटिंग पेपर की जगह न्यूज़पेपर को लेके उस पर सूटेबल प्रेशर रख के, और इस तरह से हम प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे कि कौन से मेन इक्विपमेंट्स हमको चाहिए हर्बेरियम बनाने के लिए। इक्विपमेंट्स के बाद हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज। कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज का मतलब है कि प्लांट स्पीशीज को हमें कैसे कलेक्ट करना है, प्लांट को कलेक्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें जब प्लांट कलेक्ट करना है, तब हमें प्लांट को पिक करने से पहले उसकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ हैबिट, जो है हैबिटेट वाली इंफॉर्मेशन हमको डायरी में, जो हमने एक नोटबुक ली थी उस नोटबुक में हमको उसके बारे में जो भी फील्ड नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो हमको वहां पर लेकर रखनी है। उसके बाद हमें वहां से प्लांट लेना है। प्लांट अगर छोटा है, हर्बेशियस प्लांट है, तो हम उसको जड़ की सहायता से उखाड़ लेंगे, जड़ पूरी प्लांट के साथ रहेगी, और हम उस प्लांट को जड़ सहित कलेक्ट करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि उस पौधे में बाकी के सारे पूरे पूरे प्लांट पार्टों, जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, फूल, फल, जो भी भाग उसमें सारे मैक्सिमम उसमें अवेलेबल हो, और वो बहुत अच्छी स्थिति में हो, ताकि हम फ्यूचर में उसके सारे भाग को उस पादप में देख सके और उस सूचना को हम आगे जब भी आवश्यकता पड़े काम में ले सके। तो अगर पौधा छोटा है तो हमको पूरा का पूरा लेना है, मिट्टी में से उसको खोदना है खुरपी की सहायता से, और जड़ सहित प्लांट लेना है। दूसरी बात, अगर पौधा बड़ा है, अगर वो झाड़ी है, अगर वो पेड़ है, ट्री है, तब हम पूरा प्लांट तो उखाड़ नहीं सकते, तब हम उसका एक भाग लेते हैं, उस पादप की एक शाखा लेते हैं। अब ये फिर ब्रांच लेते वक्त हमको यही ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रांच अच्छी हो, उसमें सब ब्रांचेस अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, जो भी पार्ट्स हैं वो इजीली उसमें अच्छे से दिखाई देते हो। तो प्लांट को कलेक्शन करते वक्त हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि ब्रांच जो है सफिशियंट साइज की हो, लगभग 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा जो है उसकी ब्रांच होनी चाहिए, और ये जो प्लांट है इनको हम
कलेक्ट करते हैं, कहाँ पर? वेस्टिबुलम में, जैसा कि हमने पहले बताया था। और यहाँ से फील्ड से प्लांट कलेक्ट करके वेस्टिबुलम में रखते हैं, वेस्टिबुलम से हम उसको लेबोरेटरी में ले आते हैं, लेबोरेटरी में लाकर प्लांट प्रेस में हम इन प्लांट्स को ड्राई करते हैं। आगे का हर्बेरियम टेक्निक्स का पार्ट हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।